मई के महीने में अराउंड 32 लाख के आसपास की सेल की गई है, जो टोटल सेशन अराउंड 329 के आसपास है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू 1300 के आसपास है। अब इसमें जो टारगेटिंग इस्तेमाल की गई है, कैसे किया गया है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नैरो टारगेटिंग के ऊपर कि किस तरीके से आप नैरो टारगेटिंग करते हो। अभी चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर, वहां पर मैं आपको सब कुछ शेयर कर देता हूं। प्लस ये इस कोर्स की शायद छठी या सातवीं वीडियो है फेसबुक एड्स कोर्स की, जो कि हम फ्री में अवेल करा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। आपको बस करना इतना है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्लस नीचे एक लिंक दिया गया है जहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उस ग्रुप के अंदर सारे अपडेट्स आएंगे आपको फेसबुक कोर्स के रिगार्डिंग, प्लस जो भी नए कुछ वीडियोज पड़ेंगी जो आपको हेल्प कर सकती है ग्रो करने में उनके रिगार्डिंग, ठीक है। तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। नैरो टारगेटिंग के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं हमारे इस मेटा एड्स कोर्स के अंदर। अभी इसके पहले हम काफी सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी कि सीबीओ, एबीओ, इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स, लेजर टारगेटिंग, उसके बाद आपका मेटा पिक्सल, ब्रॉड टारगेटिंग, इन सब के ऊपर हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं इस कोर्स के अंदर। आपको लिंक मिल जाएगा आई बटन पे, तो आप वहां से वो भी देख सकते हैं। प्लस एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर आपको अपडेट्स आते हैं रिगार्डिंग दिस या फिर कुछ अदर चीजें, जब भी हम डालते हैं फेसबुक एड्स, ई कॉमर्स, लीड जनरेशन के रिगार्डिंग, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको अपडेट्स मिलते हैं। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको काफी सारे अपडेट्स आ जाएंगे लाइव सेशन के भी। एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट कि अभी जो भी बचा हुआ है कोर्स, वो सारी वीडियोज हम और पुट आउट करते रहे और आपको उससे हेल्प हो। अब नैरो टारगेटिंग क्या होती है, इसको आप एक तरीके से लेयर ऑफ टारगेटिंग भी कह सकते हो, ठीक है, जहां पर हम लेयर्स क्रिएट करते हैं अपनी टारगेटिंग की। अभी मैं आपको इसके बारे मैं बताऊंगा सिंगल लेयर कैसे होती है, टू लेयर कैसी होती है, थ्री लेयर कैसी होती है, अभी के लिए काम करती है कि नहीं, या फिर कैसे काम करती है, कब आपको इस्तेमाल करना होता है, लो बजट है अगर आपका तो यूज करना चाहिए कि नहीं, और फिर कैसे आप ये सब चीजें करते हो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। पहले इसके बारे में बात कर लेंगे, उसके बाद ये सब चीजें देखेंगे, ठीक है। सो नैरो टारगेटिंग किस तरीके से चलती है उस पर हम देख लेते हैं। तब यहाँ पर लेयर ऑफ टारगेटिंग आप कह सकते हो, जैसे सिंगल लेयर का मतलब तो चलो वो आपका वही हो गया कि जब आप नॉर्मली जो डिटेल टारगेटिंग करते हो, जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया हुआ है ब्रॉड टारगेटिंग वाली वीडियो में कि कैसे आप ब्रॉड टारगेटिंग करेंगे, उसी को आप सिंगल लेयर भी बोल सकते हो, या फिर जो लेजर टारगेटिंग वाली वीडियोज में मैंने यहाँ पर आपको सारी चीज एक्सप्लेन की थी, डायरेक्ट टारगेटिंग, इनडायरेक्ट टारगेटिंग, कितने इंटरेस्ट इस्तेमाल करने चाहिए, ये सब कुछ आप यहाँ पर सिंगल लेयर में, आप उसको सिंगल लेयर ही कंसीडर करो। अगर आपको ये जानना है तो आप वो प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। नाउ मल्टी लेयर का मतलब होता है, मल्टी लेयर में हम क्या करते हैं, हम ऑडियंस, लेट सपोज हम एक एक्स वाई, एक एक्स ऑडियंस को देखते हैं, ठीक है, एक एक्स ऑडियंस हो गई, ठीक है, और हम कहते हैं कि इस एक्स ऑडियंस के साथ एक और ऑडियंस है, लेट सपोज वाई ऑडियंस, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि जो लोग इन दोनों में हो, मतलब अगर एक बंदा है जो इसको भी पसंद करे और इसको भी पसंद करे, ऐड उसको देखना चाहिए, ठीक है। लेट सपोज मैं कहता हूं कि भाई जिन लोगों को फुटबॉल पसंद है, ठीक है, और जिन लोगों को टी शर्ट पसंद है ना, उनको मेरे ऐड देखा हो, तो इसको हो गया दो लेयर का हो गया, ठीक है, कि पहला लेयर है फुटबॉल की, भाई जो लोग फुटबॉल पसंद करते हैं और ऑल्सो वो लोग टी शर्ट पसंद करने चाहिए, तो जो लोग ऐसे होंगे जो फुटबॉल टी शर्ट दोनों को पसंद करते होंगे, उनको ये जाकर के एड दिखेंगे, ठीक है, यानी कि जो बंदा फुटबॉल को पसंद करता है, अगर कोई ऐसा बंदा जो फुटबॉल नहीं पसंद करता तो उसको ये एड नहीं दिखने वाला, क्योंकि पहली लेयर फेल हो चुकी है। सो अब थर्ड लेयर क्या है, जहां पर तीन लेयर देते हैं, मान लो मैं चाहता हूँ कि भाई जिसे फुटबॉल पसंद हो, ठीक है, कि जिसको फुटबॉल पसंद हो है ना, और उसको टी शर्ट भी पसंद आनी चाहिए, लेकिन टी शर्ट के साथ साथ उसको क्या है, उसको मैं कहता हूँ कि ओवर साइज पसंद होनी चाहिए, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ कुछ लग्जरी वाला चीज, एनीथिंग है ना, किसी भी टाइप की चीज। तो अब क्या होगा कि फुटबॉल तो बंदे को पसंद ही पसंद है, उसके बाद टी शर्ट भी पसंद आनी चाहिए, प्लस ओवर साइज टी शर्ट पसंद आएगी तो मेरे ऐड दिखाओ, तो ये हो गया थ्री लेयर्स। अब इसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं मैं अभी चल के आपको दिखाऊंगा वहां पर एड्स मैनेजर में। तो ये लेयरिंग होती है, इसको हम बोलते हैं लेयर ऑफ टारगेटिंग, इसी को हम लेयरिंग ऑफ, लेयरिंग भी कहा जाता है, नैरो टारगेटिंग भी कह सकते हो। तो ये इस तरीके से चलता है, ठीक है। अब कैसे बनाई जाती है उसके ऊपर बात करते हैं। तो वही सेम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 18 to 40 मैंने एज रखी है, जेंडर ऑल हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों को फुटबॉल पसंद आती है, ठीक है, लेट सपोज जिन लोगों को फुटबॉल पसंद है, इसमें मैं और डाल देता हूँ, सपोज फुटबॉल एज ए स्पोर्ट पसंद है, सॉकर प्लेयर्स को जानते हैं, स्पोर्ट्स पसंद है, ये मेरी हो गई पहली लेयर, ठीक है। तो पहली लेयर प्लस इसको मैं नैरो पे क्लिक करूंगा। अब ये क्या है कि फेसबुक क्या लिखा है यहाँ पे, ऑल्सो मस्ट मैच, मतलब कि जिन लोगों को ये, जो लोग इस सेगमेंट में आ रहे हैं प्लस उन्हें इस सेगमेंट में भी आना चाहिए, यानी कि लेट सपोज मैं कह देता हूँ टी शर्ट, ठीक है, ठीक है, लेट सपोज मैं कह टी शर्ट। अब फेसबुक को क्या बदल गया, दो लेयर हो गई कि भाई जो लोग इसे पसंद कर रहे हैं प्लस इसको पसंद करेंगे तो उन्हें ऐड दिखेगा, अगर नहीं पसंद करते तो नहीं दिखेगा, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये इस तरीके से चलेगा, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर और भी आ देता हूँ, जैसे भाई किसी को शर्ट भी पसंद आएगी तो चल जाएगा, यानी कि ये इस तरीके से चीजें चलेंगी, है ना, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो चूज द न्यू टारगेटिंग डिटेल्स टू रिफाइन योर ऑडियंस फ्रॉम द पीपल इंक्लूडेड अबव। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो कॉमन ऑडियंस है, ठीक है, ये कॉमन ऑडियंस चलेगा, यानी कि ऊपर फुटबॉल वाली हो गई प्लस इधर वाली जो इसके बीच में कॉमन आ रही है उसी को ऐड दिखेगा, बाकी इसको छोड़ देगा और इसको छोड़ देगा, ठीक है, इसको आप वेन डायग्राम बोलते थे स्कूल में हम, ठीक है। तो ये हो गई दो लेयर। अब मैं तुझे ट्रिपल बनानी है तो मैं फिर से नरों पर क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ भाई लेट सपोज ओवर साइज, ठीक है, ओवर साइज में अगर कुछ नहीं आ रहा है तो मान लो मैं कर देता हूँ प्लस साइज,
ठीक है, लेट सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, प्लस साइज हो गया। अब ये देखो यहां पर क्या है, पहली बात तो ये इन तीनों में जो लोग कॉमन रहेंगे ये उनको दिखा देगा आपके ऐड, ठीक है। पहली चीज तो कि भाई इसमें से जो लोग हैं इसमें मैच करने चाहिए, फिर जो लोग यहां पर बचे फिर वो इसमें मैच करने चाहिए, उन्हें ऐड जाएगा। तो दिस इज थ्री लेयर ऑफ टारगेटिंग, ठीक है। अभी और भी आ गई है फिलहाल के लिए, पहले तीन ही हुआ करती थी, अब चार लेयर हो गई, तो आप फोर्थ लेयर भी बना सकते हो, बट उतना ज्यादा डीप जाने की जरूरत होती नहीं है, ठीक है। तो क्या ये तीन लेयर आपको फिलहाल के लिए काम करनी है, थ्री लेयर ऑफ टारगेटिंग हो गया। अब इसमें आप एक और चीजें कर सकते हो, एक्सक्लूड भी कर सकते हो ऑडियंस, जैसे यहाँ पर आप चाहो कस्टम ऑडियंस में जाकर के जो लोगों ने ऑलरेडी आपके वेबसाइट से परचेस कर लिया है, मान लो आप उन्हें ऐड नहीं दिखाना चाहते हैं जिन्होंने ऑलरेडी परचेस किया हुआ है, तो आप यहाँ पर कस्टम ऑडियंस में उन लोगों को डाल दोगे कि भाई जो लोग मेरे से ऑलरेडी परचेस कर चुके हैं उनको ना मैं ऐड दिखाऊं। उसके लिए आपको कस्टम ऑडियंस बनानी पड़ेगी, जो हम आगे कुछ वीडियोज में बात करेंगे, ठीक है। सो ये हो गई थ्री लेयर ऑफ टारगेटिंग, पहली लेयर ये, दूसरी लेयर और तीसरी लेयर ये, कि ये तीन लेयर ऑफ टारगेटिंग है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू रन आवर एड्स, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, जैसे मैंने दो लेयर तीन लेयर आपको दिखाई कि कैसे आपको ये अभी के लिए काम करती है नहीं। देखो पहली चीज तो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट या फिर सबसे पहले जो मेरा रिकमेंडेशन रहता है दैट इज कि आप ब्रॉड टारगेटिंग करिए, ओपन टारगेटिंग करिए, ठीक है। अब बात आती है कि ये चीज काम करती है या नहीं। देखो अभी क्या है, शुरुआत में मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप ब्रॉड टारगेटिंग करिए या फिर ओपन टारगेटिंग करिए। इसको आप कह सकते हो एंड के लिए रख दो कि भाई अगर मान लो मेरी ब्रॉड टारगेटिंग नहीं काम करेगी या फिर मेरा ओपन टारगेटिंग नहीं काम करेगी तब मैं जाकर के नैरो टारगेटिंग करना शुरू करूंगा, ये मेरा रिकमेंडेशन है। जरूरी नहीं है कि भाई ये मतलब ये मेरे लिए, जैसे मेरे लिए या फिर मेरी बहुत सारी ब्रांड्स हैं जिनपे मैं काम करता हूँ इसलिए मैं ये रिकमेंडेशन दे सकता हूँ, क्योंकि मैं एक ब्रांड के लिए ऐड नहीं रन कर रहा हूँ। तो उसके हिसाब से सब में ये चीज मैंने देखी है कि भाई ब्रॉड और ओपन अभी काम कर रही है, तो फिर आप अभी के लिए ब्रॉड ऑडियंस का इस्तेमाल करिए या फिर ओपन का यूज करिए, और एंड में आप नैरो टारगेटिंग कर सकते हो, क्योंकि जो भी ब्रांड्स अभी हमारे पास हैं उनमें ये चीज अच्छा काम करती है, यानी कि पहले नैरो और पहले ब्रॉड और ओपन कर लिए और बाद में हम नैरो ऑडियंस का इस्तेमाल करते हैं, और कभी कभी नहीं भी करते अगर हमें लगता है कि इतना खास जरूरत नहीं है तो हम नहीं करते, तो नैरो ऑडियंस आप वहां पे क्रिएट कर सकते हैं। कब इस्तेमाल करना है, जब आपका ब्रॉड या फिर ओपन टारगेटिंग आप यूज कर चुके हो और आपको लगता है कि भाई नहीं वर्क कर रही है चीजें, या फिर आपको बहुत ही अच्छा काम कर रहा है नैरो और ब्रॉड और आप चाहते हो कि चलो ठीक है थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया जाए कि क्या क्या चीजें वर्कआउट कर सकती हैं, तब आप इसे एक्सप्लोर करने जाएंगे, ठीक है। अगर आपका बजट लो है तो आपको इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी कि मान लीजिए आप 1000-2000 रुपए का बजट है आपका, तो आपको बहुत नैरो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप नैरो डाउन करते जाएंगे एज ग्रुप लोकेशन जेंडर या टारगेटिंग में जितना नैरो करते जाओगे उतना ज्यादा कॉस्ट बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा सीपीसी बढ़ता जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा नैरो करो, ओपन चलाओ ब्रॉड चलाओ, ठीक है। अगर नहीं काम करता है तो एक बार नैरो टारगेटिंग करके देखो, अगर सीपीसी आपकी सही रहती है तो बेटर रहेगा। जनरली क्या होता है, जब आप लो बजट पे इसका इस्तेमाल करते हो तो सीपीसी बहुत हाई चली जाती है, क्योंकि आपने बहुत सारा कंडीशन लगा रखा है फेसबुक को, प्लस उसके पास उतना बजट नहीं है। तो इसलिए आपको अगर आप लेयरिंग कर रहे हो, नैरो टारगेटिंग करना चाहते हो, तो थोड़ा सा आपके पास बजट ज्यादा होना चाहिए, प्लस अगर ब्रॉड और नैरो नहीं, ब्रॉड और ओपन नहीं वर्क कर रहा है तो इसको इस्तेमाल करिए, या फिर अगर बहुत ही अच्छा काम कर रहा है कुछ नया एक्सप्लोर करना है तो इसको यूज करिए। बाकी कुछ नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम क्रिएटिव टेस्टिंग, डेटा रीडिंग इन सब के ऊपर बात करने वाले हैं, लो बजट ऐड, हाई बजट ऐड, और इसके ऊपर अपन बात करेंगे। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल, प्लस व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जहां पर आपको बाकी जो भी अपडेट्स हैं वो सारे अपडेट्स वहां पर आपको मिलते रहेंगे।